हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइस। तो आज नागपुर यूनिवर्सिटी के विंटर एग्जामिनेशन जब स्टूडेंट्स ने दी तो आज कुछ नया ही हमें गाइस यहाँ पे देखने को मिला। आप देख सकते हो गाइस स्क्रीन पे मूव्ड आउट वार्निंग्स अलर्ट नंबर्स। तो जब हम पेपर सबमिट वगैरह करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ड्यूरिंग एग्जाम्स हमें कितने वार्निंग्स वगैरह आई है, ठीक है। तो इस स्टूडेंट को तो ड्यूरिंग एग्जाम कुछ भी वार्निंग्स नहीं आई है, बट मेरे पास और भी कुछ स्क्रीनशॉट है जिसमें स्टूडेंट्स को वार्निंग्स आई है, ठीक है। तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो जैसा आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो गाइस, जब इसने पेपर वगैरह सबमिट किया तो ड्यूरिंग पेपर इसको वार्निंग्स वगैरह आई होगी। तो जब इसने पेपर सबमिट किया तो यहाँ पे लिख के आया मूव्ड आउट वार्निंग्स अलर्ट नंबर टू, ठीक है। तो अभी जो वार्निंग्स वगैरह का इस वो आना शुरू हो चुका है। जब स्टार्टिंग में पहले हफ्ते में जब एग्जाम्स वगैरह थी तो ऐसे हमें वार्निंग्स वगैरह तो काफ़ी कम देखने को मिल रहा था, बट आज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट्स भेजे। जब भी सबमिट करे तो यहाँ पे वार्निंग्स वगैरह का कुछ लिखा आ रहा है, ठीक है। तो यार वेब बेस्ड एप्लीकेशन की खासियत होती है कि जब हम स्प्लिट स्क्रीन वगैरह उसी डिवाइस में करते तो मे बी हमें जो वार्निंग वगैरह गाइज वो आ सकती है, ठीक है। तो अब से हमें वार्निंग्स के ऊपर भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा भी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है तो आप देख सकते हो क्लियरली विद प्रूफ कि अभी जो वार्निंग वगैरह गाइज वो आना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी हमें ध्यान रखना है, और जब हम जिस भी डिवाइस से एग्ज़ाम दे रहे गाइस ट्राई करना कि उस डिवाइस में स्प्लिट स्क्रीन वगैरह मत करो ताकि आपको वार्निंग्स वगैरह ना आए, ठीक है। तो ये मैं आपके प्रिकॉशंस के लिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो वार्निंग्स वगैरह गाइस वो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मेनली वेब बेस में ऐसा होता है कि जब हम जिस डिवाइस में एग्ज़ाम दे रहे उस डिवाइस से स्प्लिट स्क्रीन वगैरह करते हैं या फिर सर्च करने की कोशिश करते हैं तो हमें वार्निंग्स वगैरह आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। जैसे मेरी भी अब एग्जामिनेशन होने वाली है पुणे यूनिवर्सिटी में, तो उनका भी वेब बेस एप्लीकेशन ही है और उनके भी इसमें इंस्ट्रक्शन में आया कि जब आप स्प्लिट स्क्रीन वगैरह करते हो तो आपको वार्निंग्स आएगी। तो देखो गाइज, एक दो वार्निंग्स आई तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, बट अगर बहुत सारी वार्निंग्स आती है तो मे बी हमारा जो पेपर वगैरह है वो सबमिट भी हो सकता है, ठीक है। तो एक दो वार्निंग्स से ज़्यादा डरो मत। अगर बहुत सारी वार्निंग्स आ रही है या फिर आप एकदम ही वार्निंग्स को निगलेक्ट कर रहे हो तो मे बी फिर जो पेपर वगैरह वो भी सबमिट हो सकता है, तो उसका ध्यान ज़रूर रखना, ठीक है। ये आपके भले के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ड्यूरिंग एग्जाम फिर कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो वार्निंग से मतलब एक दो आती है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, बट बहुत सारी आती है तो फिर आपको प्रॉब्लम वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके ऊपर प्लीज़ गाइज ध्यान देना, क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग स्क्रीनशॉट भेजे हैं जिसमें अभी हमें जो वार्निंग्स वगैरह गाइज वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा गाइज काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि जो सपोर्ट नंबर्स है वो कहाँ पे मिलेंगे। तो देखो, जब हम लॉगिन वगैरह करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है सपोर्ट नंबर्स का, तो यहाँ पे आपको सारे जो सपोर्ट नंबर्स वगैरह वो देखने को मिल जाएंगे। तो आप स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हो इतने सारे नंबर्स है। इसमें से अगर आप ड्यूरिंग एग्जाम कोई प्रॉब्लम आता है आपको तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तब भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह नहीं होता है या फिर आपका पेपर वगैरह सबमिट नहीं होता है ड्यू टू सम इशूज़ वगैरह, तो आप गाइज जो कॉलेज में वो एप्लीकेशन वगैरह दे सकते हो, ठीक है। और ये सब कुछ है गाइस वार्निंग का। इसके अलावा और कुछ पता चलता है इसके ऊपर तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहे।